ये फ़ोटो को अब स्मूथ करके हमने सेव कर लिया है। तो अब इसको सेव करने के बाद अब हमें इसको लाइट रूम के अंदर शेयर करना है। तो आपको लाइट रूम में इसको शेयर कर लेना है। तो लाइट रूम ओपन होने के बाद आपको ऑल फ़ोटो पर क्लिक करना है। और मैं जिस फ़ोटो का भी शेयर किया था वो फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा प्रीसेट का, तो आप ओपन करना है और तीन लाइन ऊपर क्लिक करना है, फिर कॉपी सेटिंग कर देना है। कॉपी सेटिंग करने के बाद फिर उस फ़ोटो पर आ जाना है जो अभी जिसको आप एडिट करना है। उसको फ़ोटो पर आने के बाद आप थ्री डॉट पर पेस्ट कर देना है। तो आपका फ़ोटो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको सेव कर लेना है। हमारा फ़ोटो कुछ इस तरीके से एडिट हो चुका है। तो हम अब हेयर को ऑयल पेंट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें फ़ोटो को अब हमें टूल विज एप्लीकेशन के अंदर शेयर करना है। तो टूल विज ऐप की सहायता से हम इसके हेयर को ऑयल पेंट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सॉफ्ट स्मूथ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे, तो आपको अपने हिसाब से कितना करना है। तो मैं यहाँ पर 6 ले लेता हूँ। 6 लेने के बाद अब आपको इधर मास्क पे क्लिक करना है, फिर इधर क्लीन पे क्लिक कर देना, तो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अब आपको इसको जहाँ जहाँ पे आपको करना है वहाँ वहाँ पर आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप ऐसे कर लेना। हो जाने के बाद अब हमें फ़ोटो को अब सेव कर लेना है। तो यहाँ से इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसको फुल कर देना है PNG, और यहाँ पे सेव कर लेना है। तो पहले हमारे हेयर कुछ इस तरीके से थे, और अब हमने ऑयल पेंट करने के बाद देखो हमारे हेयर कुछ इस तरीके से ऑयल पेंट हो चुके हैं। तो आप भी आपके हेयर को इस तरह से ऑयल पेंट कर सकते हो। तो आपका फ़ोटो कुछ इस तरीके से बन चुका है। तो अब इसको और भी अच्छे दिखने के लिए हमें एक ऐप में और शेयर करना है इसको। तो यहाँ पर शेयर करना है। शेयर करने के बाद आपको इस ऐप का, इसका नाम भी आपको बता देता हूँ, पोलर ऐप का नाम है। इसमें आ जाना है। इसमें आने के बाद ये इस तरह से ओपन होगा, और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इस पर आने के बाद इधर एडिट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करना है। तो फिल्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे। तो मेरा नेट स्लो है इसलिए, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको फिल्टर मिल जाएंगे। मेरा नेट स्लो तो चल नहीं रहा, तो मैंने इसको पहले ही अभी कर लिया है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत सारे फिल्टर मिल जाएगा। तो मेरा फ़ोटो देखो कुछ इस तरीके से हो चुका है, और मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। सेव मैंने इसको ऑलरेडी कर लिया, आपको दिखाना चाहता था। तो यहाँ से सेव होने के बाद अब इस अब फ़ोटो सेव हो गया। तो लास्ट में अब हमें इसको शेयर करना है स्नैपसीड ऐप के अंदर। स्नैपसीड पे आने के बाद हमें टूल पर क्लिक करना है, और टूल पर क्लिक करने के बाद हमें बाइट बैलेंस पे आना है। आपको इधर टेम्परेचर को माइनस में अच्छा लगे तो माइनस कर लेना है, और इधर प्लस में अच्छा लगे तो मैं थोड़ा इसको माइनस कर लेता हूँ 12 के लगभग। तो मैंने इसको 12 के लगभग माइनस कर लिया। तो मेरा फ़ोटो कुछ इस तरीके से बन चुका है। और यहाँ पर टून इमेज में आने के बाद यहाँ पर एम्बियंस को मैं 30-31 एम्बियंस को बढ़ा लेता हूँ, और थोड़ा ब्राइटनेस को, और थोड़ा हाईलाइट को, और थोड़ा शेडो को बढ़ा लेता हूँ। तो देखो गाइस मेरा फ़ोटो कुछ इस तरीके से फुल HD में फ़ोटो बन चुका है। तो आप भी इस तरह से फुल HD फ़ोटो बना सकते हो। तो आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं गाइस को नेक्स्ट वीडियो में।